जय श्री माता जी। एक बहन ने प्रश्न पूछा है कि अगर श्री माता जी महामाया है तो फिर वो ये क्यों कहती हैं कि कार्य परमात्मा करते हैं और महामाया का स्थान क्या है। या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। ये माया क्या है? ये माया हमारे भीतर है, वही माया हमारे बाहर भी। जो माया बिखेरती है वह माकुंडलिनी शक्ति है, जो इस भवसागर से नीचे जाकर के जो बैठ जाती हैं और बीच में एक भवसागर क्रिएट कर देती हैं। नीचे की शक्ति और ऊपर की शक्ति, भवसागर का जो पेट का आपका हिस्सा होता है ना, वहाँ से वो लटका होता है। और जब कुंडलिनी शक्ति उठती हैं, माँ गौरा की शक्ति होती है, जब दोनों का मिलन होता है उस सुषुम्ना नाड़ी का, तब जाके वह स्थिति ऊपर जाती है, ऊर्ध्वगति में उठती है और जाकर के जो सिर का तालु है यह महामाया का स्थान है। महामाया का स्थान मुक्ति का स्थान है, जहाँ से इस प्राण का भेदन हुआ, सारी चीज़ें बनी वो इसी सहस्त्रार से बना। और जो देवी आई वो महामाया हम सबको मुक्त कराने आई, उस माया से जो माया नगरी है वही आगे चल करके महामाया बन जाती है। इसको ऐसे समझिएगा, माँ काली हैं, माँ काली की शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति का जो प्रादुर्भाव है, मैनिफेस्टेशन, वह हमारी बाई नाड़ी है। हम कौन हैं? एक आत्मा। ये आत्मा क्या है? सदा शिव जी का मैनिफेस्टेशन, उनका एक प्रतिबिंब, उनसे आत्मा आती है और ये शरीर का जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो चल पड़ती हैं, ठीक है, पूर्णतया चल पड़ती हैं। नहीं तो 2.5 से 3 माह में वो एक पिंड की तरह ही पेट में, माँ के गर्भ में वह पिंड पड़ा रहता है, लेकिन आत्मा की प्रविष्टि के साथ ही वहाँ धड़कन आती है, तालु, और धड़कन एक हो जाती है और इस तरह से जीवन आता है। और यह जीवन आपको पता है, जब आप पढ़ते हैं देवी सप्तशती का, तो उसमें जो सारे जो श्लोक होते हैं कि हर चीज़ डाली गई है, अगर बुद्धि डाली गई है तो मोह भी डाला गया है, और हमारे भीतर तृप्ति भी डाली गई है, तुष्टि डाली गई है, संतुष्टि डाली गई है, बहुत सारी चीज़ें हमारे भीतर डाली गई हैं। और इन्हीं का जो और प्रतिबिंब आता है वो षड्रूप बन के आता है, जो एक और मैनिफेस्टेशन होता है, जिस जो गलत कहते हैं कि एक बिंब ये है तो उसका एक प्रतिबिंब ये है। तो इस तरह से हमारा जीवन माया में चलता चला जाता है, लेकिन जब कुंडलिनी का जागरण हो जाता है और वह सहस्त्रार को पहुंच जाती हैं, वहाँ जो मिलन होता है इस ब्रह्म शक्ति का, ब्रह्मरंध्र को खोलने के बाद, वो कहते हैं वह महामाया की कृपा होती है। श्री माता जी आदि शक्ति का अवतरण है, जो बार बार धरती पर आए हैं, लेकिन उनको पहचानना बहुत मुश्किल है, इसलिए उनको महामाया कहते हैं। जैसे महाकाली, मैंने बोला काली का मैनिफेस्टेशन शिव महाकाली है, हमारे भीतर उनका मैनिफेस्टेशन महाकाली नाड़ी है। इसी तरह से माँ सरस्वती की कृपा से हमारे भीतर जो मैनिफेस्टेशन वो महा सरस्वती कृपा है, इसी तरह से महालक्ष्मी कृपा है। तो ये मैनिफेस्टेशन से हमारी देवियों के, उसी प्रकार से माया का जो अवतरण है वह ऊपर आते हैं और संतुष्ट जब हो जाते हैं वही महामाया है। ये पूर्ण विस्तृत होते हैं हमारे भीतर, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं इसी महामाया की शक्ति से, जो आदि शक्ति कही जाती है, जो हमेशा से रही हैं और रहेंगे, वो बहुत अवतरण लेंगे, तो श्री माता जी वह शक्ति रही हैं। और उन्होंने, क्योंकि शक्ति के बहुत उन्होंने अपने प्रमाण दे दिए, कितना कहा जाए, तो जब तक हमारी नज़रों को उनकी कृपा न होगी हम कुछ ना देख पाएंगे ना समझ पाएंगे। इसलिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान की निर्विचारिता बहुत ज़रूरी है, उसका लगन लगना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम महामाया की शक्ति को पकड़ पाएंगे। तो महामाया जब जगती है, यानी आदि शक्ति जब जग जाती है, तो मनुष्य को सहज में मोक्ष मिल जाता है। तो यह कृपा श्री माता जी की है, तो वह सहस्त्रार स्वामिनी है। तो जब आप मंत्र पढ़ते हैं, ओम तुम साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी, यह महामाया का मंत्र होता है, ठीक है। जहाँ हमको सद्गति मिल जाती है, सद्बुद्धि मिल जाती है, हमारा विजन बढ़ जाता है, और हमारे अंदर एक प्रचिति, बार बार मैं इसको बोलती हूँ कि जब तक ये मेरे भीतर प्रचिति नहीं आएगी,
जैसे एक माँ, एक लेडी है, उसको अभी बच्चा नहीं है, उसके अंदर भी मातृत्व है, भले बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन वो जानती है कि माँ की ममता क्या होती है। वह ऐसे भी किसी भी बच्चे को प्रेम कर सकती है, बहुत प्रेम कर सकती है, लेकिन जब उसका अपना बच्चा होता है तो उसकी जो प्रचीति होती है, जो कुछ उसके भीतर बनता है, बिगड़ता है और महसूस कराता है, पूरी भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक, हर तरह से जो प्रचीति होती है, वह होती है कुंडली जागरण के बाद। ऐसे तो सभी को पता है कि परमात्मा है, संसार उनसे ही चलता है, लेकिन जब प्रचीति होती है ना, तो भय, स्नेह, प्रेम, श्रद्धा सब बराबर हो जाता है, सम हो जाता है, समाधि लग जाती है। अब हम इस डर से गलत काम नहीं करें कि परमात्मा नाराज हो जाएंगे, वो तो बैठे हैं चुपचाप, आप करिए ना, आपका परिणाम बन जाएगा। आप गलत काम करिए, परिणाम बन जाएगा, आप अच्छा काम करिए, परिणाम बन रहा है, उससे उनको बहुत मतलब नहीं है। तब क्या श्री माता जी बताने की कोशिश करेंगे, माँ है वो, करतार बैठे हैं और सब देख रहे हैं, उनके सारे नियम कानून बन गए हैं। माँ जो आती है, जो उनकी शक्ति है, एक करतार है ना, उस जैसे कि दीपक है, दीपक में आपने जला दिया, दीपक में सारी शक्ति है, और जो उसका लौ है वो एक आपको आँच देगा, वो एक गर्मी प्रदान करेगा, ठीक है। तो वो जो गर्मी है वो उनकी शक्ति है, उस दीपक के लौ की शक्ति है, ताकि आपको आँच महसूस हो। इसी तरह से महामाया अपना काम करती हैं, वो कार्य सिद्ध हो जाता है, जो कुछ हमारे शरीर में घटना घट रही है, वह माँ आदि शक्ति कहें या महामाया कहें, माया स्वरूप कहें, आप जो भी देवी का नाम लें, उससे वह कार्य होता है। तो करतार वो तो पिता हैं, वो बैठे हुए, वो धारण कर रहे हैं, उनसे ही शिव जी की शक्ति से सारा जग संचालित है, वह विभिन्न रूपों में आकर के कार्य करती हैं। माँ ही करती है दरअसल, लेकिन वो कहती है कि परमपिता परमात्मा, क्योंकि वो उनकी इच्छा से कार्य कर रही है। तो पिता ही चाहते हैं तो कार्य होता है, इसलिए श्री माता जी बोलते हैं परमात्मा ने कार्य किया, ये परम का कार्य है, ये उनकी इच्छा है और मैं उनकी इच्छा हूँ। हम सभी श्री माता जी की इच्छा है, हम सब अपनी माँ की इच्छा है, माँ ने हमको चाहा कि हम ऐसे बने तो हम बन रहे हैं। तो ये है अंतर महामाया और परमपिता परमात्मा, करता वही है, वही अपने त्रिगुण स्वरूप में कार्य करते हैं, और जो उनकी देवी शक्ति है वह क्रियान्वित होती है, फंक्शनल होती है, और उससे हमारे कार्य चल पड़ते हैं, ठीक है, यही अंतर है। जय श्री माता जी। इसके साथ ही एक प्रश्न और आया हुआ है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसी में जवाब दे दूँ कि श्री माता जी के समक्ष जब हम परेशान होते हैं तो हम क्या कहते हैं उनसे, हम अपनी बातें जैसे मंदिर में जाके हम लोग आज तक कहते रहे अपने मन की बात, तो वैसे उस बहन का प्रश्न था कि जब हमारे भीतर कोई प्रश्न उमड़ता है तो क्या उस समय हमको श्री माता जी के सम्मुख होना चाहिए, या तस्वीर नहीं भी हो तो चलेगा, हम पूजा कर रहे हो तो भी, ध्यान नहीं भी कर रहे हो तो भी, केवल माँ से कह देने से क्या वह क्रियान्वित हो जाएगा? जरूर हो सकता है अगर आपकी कनेक्टिविटी इतनी तगड़ी है, माने आप अपने हृदय में श्री हनुमान जी की तरह वह छवि बिठा के रखे हैं कि जब उनसे कोई बोले कि तुम बैठ के, अब कोई बोले तुम पूजा नहीं करते, ये नहीं करते, सब हो रहा है। पूजा किस लिए कर रहे हैं? जिस हेतु कर रहे हैं वो भीतर में चल रहा है। तो जब आपके भीतर वह शक्ति आ जाती है, हृदय की शक्ति आलोड़ित हो जाती है माँ के प्यार से, उनकी श्रद्धा से, आप माँ मैं बन जाते हैं, तो आपके पास सामने अगर तस्वीर नहीं भी है और आप आँख बंद करके श्री माता से अपनी बात कहते हैं तो बिल्कुल सुनी जाती है, सुनी जाती है। पूरी कब होती है वह महामाया जाने, वो माँ जाने कब उनको पूरा करना अपने बच्चे का, वो बच्चे की हर बात कैसे सुनेगी, हर बात क्यों मानेगी। और अगर वाकई में उनको पता है कि मेरा बच्चा परेशान है और वो बहुत वो इनोसेंट है, उसको प्रेम करता है, तो माँ भी पूरी कोशिश करती है अपने बच्चे की इच्छा को पूरी करने के लिए, तब श्री माता जी की जो तस्वीर है वह बहुत शक्तिशाली माध्यम है। आप उनके सामने दीपक जला के अपनी बात कहें,
आपको लगता है कि श्री माता जी सुन रहे हैं, आप ध्यान में बैठेंगे, आप सहस्त्रार के माध्यम से उनसे बात कर रहे हैं, आप अपनी बात कहें, आप बंधन के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं, आप बंधन के माध्यम से कहें, यानी कि आपका चित्त पूर्णतया कनेक्टेड है, तो आप किसी भी तरीके से बात को श्री माता जी के समक्ष रख सकती हैं। और ये जो लिखा जाता है, लिखा इसलिए जाता है कि लोगों का चित्त परेशान जब होता है ना, तो एकाकार नहीं होता है देवी से, इसलिए ये लिखा जाता है। लिखने से आपका पूरा का पूरा चित्त, आपकी परेशानी उस कागज़ पर उतर गई और आपने उसको लिख करके सात बार उसको बंधन दे करके श्री माता जी के श्री चरणों में रख दिया, तो आपने अपनी पूरी परेशानी को उनको समर्पित किया है। और ये परेशानियाँ क्या है, आप सोचिए, मेरा अहंकार या मेरा प्रति अहंकार, इन दो से उपजी हुई परेशानियाँ हैं, जो दुख हमारा, ये दो ही है ना, भूतकाल भविष्य, तो वो हम समर्पित कर रहे हैं। श्री माता जी अभी आपके श्री चरणों में, समर्पण करने के बाद छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग करतार नहीं हैं, जो हम अपने कर्म कर रहे हैं बस वही हमारा सौभाग्य है कि हम कर्म अच्छा कर सकते हैं, इसी सौभाग्य को लेके हमको आगे बढ़ना है, तो हमें अपने कर्म का सौभाग्य मिला है, लेकिन जो उसका परिणाम है वह परम जाने, परमेश्वरी जाने। इसलिए श्री माता जी की तस्वीर का होना, उनके समक्ष अपनी बात कहना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम लोग शुरू में आते हैं तो हमारे पास कोई चारा नहीं होता, हम बिना श्री माता जी के तस्वीर के उनके सामने कैंडल जला के हम अपनी बात कहते थे, धीरे 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 वो चीज़ें अपने हृदय में उतर गई, जिसको हम कहते हैं जज्ब कर लेना। अब चुपचाप भी हाथ खोल करके बैठे हैं, कहीं बाहर भी बैठे हैं, तो कनेक्शन लगा, वाइब्रेशंस आए, आए यानी कि हमारा कनेक्शन लग गया, तार जुड़ चुका है, हम अपनी बात कह सकते हैं सहस्त्रार के माध्यम से, आज्ञा के माध्यम से नहीं। हम जब तक आज्ञा पे रहेंगे ना, हमको बहुत उपाय करने पड़ेंगे। तो आप देख लें, आप आज्ञा से अपनी बात कहना चाहते हैं या सहस्त्रार हृदय से करना चाहते हैं, तो स्वयं श्री माता जी आपकी बात को सुनते हैं। जय श्री माता जी।